तो मेरे प्यारे मित्र और मित्रानियों, आज बात करेंगे बिहार की न्यू भर्ती न्यू वैकेंसीज के बारे में, जो कि बिहार में अभी आने वाली है। जी हाँ, जानेंगे इस भर्ती के बारे में। तो MTS डेटा एंट्री ऑपरेटर समेत अन्य वेरियस पोस्टर पर भर्ती निकल के आने वाली है, जो कि नोटिफिकेशन अभी आई हुई है। जी हाँ, बिहार कृषि विभाग अंतर्गत ये भर्ती निकाला जाएगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक जारी हुई है। इस नोटिस के माध्यम से आप लोग को बताएंगे कि कहाँ पे ये भर्ती आप लोग का आने वाली है, किन किन पोस्टों पे और भी भर्ती रहेगी, साथ ही साथ कौन कौन लोग आवेदन दे पाएंगे, कब तक ये भर्ती आप लोग का निकल के आएगी। आइए शॉर्टकट तरीके से इस भर्ती के बारे में अत्यधिक जानकारी बताते हैं। तो चलिए, हमने सबसे पहले नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, साथ ही साथ आप लोग को न्यूज़ के माध्यम से भी यहाँ पे बताएंगे। आइए जान लेते हैं ये नोटिस कहाँ से निकल के आई है। तो नोटिस जो है यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, मंत्रिपरिषद जी की बैठक हुई थी, उसी मंत्रिपरिषद की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इस बैठक की अध्यक्षता किए हैं, और इनमें टोटल 17 ऐसे मुद्दे थे जिनको स्वीकृति प्रदान किए हैं। जी हाँ, 17 अलग अलग विषय थे, उन विषय में स्वीकृति प्रदान कर दिए हैं। तो उनमें से जो है आप लोग को बता दें, कृषि विभाग के अंतर्गत जो भर्ती अभी होनी है आप लोग का, उस भर्ती की अपडेट्स भी दिया गया है। इसी के माध्यम से ये सूचना अभी निकल के आई है, नोटिस दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं, टोटल 17 प्रकार की यहाँ पे जो है पॉइंटें रखा है, जिनमें कि यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 12 नंबर आप लोग का पॉइंट है कृषि विभाग की अपडेट्स देख पाएंगे यहाँ पे, वही 13 नंबर पॉइंट पे भी कृषि विभाग की अपडेट्स दी गई है, वही यहाँ पे 14 नंबर पे भी कृषि विभाग की अपडेट्स है। तो जानेंगे शॉर्टकट तरीके से। तो यहाँ पे देख पाएंगे सूचना मिल रही है कि बिहार कृषि विद्यालय के अधीन कृषि अनुसंधान संस्थान मीठापुर पटना परिसर में एक नए कृषि व्यवसाय प्रबंध जो है महाविद्यालय की स्थापना की जानी है, इसकी स्वीकृति के संबंध में। जी हाँ, टोटल 51 जो है पदों की स्वीकृति यहाँ पे मिल चुकी है। तो इसी के साथ आप लोग को बता दे, टोटल जो है शैक्षणिक पे आप लोग का 42 सीट है और गैर शैक्षणिक पे आप लोग का 9 सीट है। टोटल दोनों को ऐड कर देंगे तो 51 सीटों पर भर्ती अभी आनी है आप लोग का। इसी के साथ आगे आप लोग को बताना चाहेंगे तो देख पाएंगे विश्वविद्यालय, जी हाँ, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन सुबेर भागलपुर में एक नए कृषि जैव जो है प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का स्थापना की स्वीकृति के संबंध में, जो कि गैर शैक्षणिक के 15 आप लोग का सीटें है और शैक्षणिक के 24, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 39 सीटों पर ये भर्ती आप लोग का आनी है, अभी स्वीकृति प्रदान हुई है। इसी के साथ आगे बात करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन आरा भोजपुर में एक नए कृषि जो है अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति के संबंध में। जी हाँ, टोटल जो है यहाँ पे 55 सीट है और इनमें शैक्षणिक के जो है 36 है और गैर शैक्षणिक के 19, टोटल कितने 55। तो इसी के साथ जो है आप लोग को बता दे, तीनों जो है अलग अलग जो है जिले से जो है अभी स्वीकृति प्रदान हुई है। लगभग जो आप लोग का 140 प्लस जो है सीटों पर ये भर्ती बिहार में डेटा एंट्री ऑपरेटर MTS एवं वेरियस पोस्टों पे निकल के आनी है, और भी हायर पोस्ट रहेंगे इन कुछ जो है पोस्ट ये सीटों के लिए, ठीक है। ये अभी स्वीकृति प्रदान की गई है, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोग का ये जब नोटिफिकेशन के माध्यम से आएगी हमने तब बताएंगे, उससे पहले आप न्यूज़ के माध्यम से भी देख सकते हैं, जो कि देख पाएंगे 3 नए कृषि कॉलेज खोलने की मंजूरी मिल चुकी है, जो कि यहाँ पे आप लोग सूचना देख पाएंगे, जो कि आप लोग को भी बताए भागलपुर के नए कृषि जैव जो है महाविद्यालय, आरा भोजपुर एक नए जो है कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की मंजूरी मिल चुकी है, और मंजूरी जैसी ये कंप्लीट होती है तब जो है जो पदों के बारे में अभी आप लोग को बताएं उन पदों पर अभी आप लोग का भर्ती निकल के आएगी। तो अभी ये घोषणा हुई है, अब जब इसकी ऑफिशियल तौर पे नोटिफिकेशन आएगी तब हमने आप लोग को इसकी अत्यधिक जानकारी जो है वीडियोस के माध्यम से बताएंगे। इसलिए आप लोग को बताना चाहेंगे यूट्यूब चैनल RPR एजुकेशन को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, RPR एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस रेड वाले बटन पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल वाले आइकन को भी क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप लोग को बिहार से जुड़ी जो भी भर्ती निकल के आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचे, आप लोग जो है
उस वीडियो को देखें और जॉब की न्यूज़ आप लोग को प्राप्त हो। जी हमने करंट जॉब की अपडेट्स आप लोग को रोजाना देते रहते हैं, डेली एक ना एक वीडियो आप लोग के लिए लाते हैं। जो प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, कॉन्टेक्ट बेसिस जॉब हो, इत्यादि जॉब हो, हमने आप लोग को बिहार से जुड़ी हर एक जॉब की अपडेट्स बताते रहते हैं। बिहार के अलावा हमने जो है दूसरी स्टेट की जो है भर्ती के बारे में बहुत कम बताते हैं। तो ये भर्ती की अपडेट्स आई हुई थी। इसके अलावा और भी वीडियोस आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। हाल ही फिलहाल में हमने जो है लेटेस्ट करंट जो है भर्ती की अपडेट्स दिए हुए हैं, जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इस भर्ती में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही अपडेट्स था भर्ती के बारे में। आगे के अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि भर्ती की अपडेट्स आप लोग को लगातार मिलती रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे कहने चाहेंगे, जिन्होंने अभी लास्ट तक वीडियो को यहाँ तक वॉच कर लिए, देख लिए हैं, आप लोग किस ज़िले से हैं, किस ज़िले की जॉब की अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं, कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। और ये भर्ती की जानकारी अगर आप लोग को यूज़फुल लगा होगा तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चल पाए कि कौन लोग यहाँ पे जो है लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं। हमने रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। कमेंट के अनुसार, आप लोग का कमेंट के अनुसार हमने समझ जाते हैं कि कौन कौन लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। तो चलिए, अब मिलेंगे बहुत जल्द बिहार की और एक भर्ती की अपडेट्स के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।